10-12 साल से इस गांव की हम सेवा भी कर रहे हैं और केवल हमारा मोटिव सरपंच बनने का ही नहीं है, हमारा मोटिव सर सेवा करने का है। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं फरीदाबाद के फतेहपुर बिल्लोच गांव में। हमारे सामने मौजूद हैं सरपंच पद की उम्मीदवार सोनिया अग्रवाल के पति नरेश अग्रवाल जी, जो इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज हम इनसे बात कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्ते जी। नरेश जी, सभी प्रत्याशी दिन रात मेहनत कर रहे हैं सरपंच चुनाव को लेकर, आपकी क्या तैयारी है? देखो, इस गांव में सबसे पहले तो इसी गांव से ही हमारा जन्म हुआ है, फतेहपुर बिल्लोच से, और इस 10,000 की आबादी में फिलहाल तो 7800 कुछ वोटें हैं हमारे गांव में, जो फिलहाल लिस्ट में तैयार हुई हैं। 11 प्रतिनिधि फतेहपुर में सरपंची के लिए अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ये लेडीज़ सीट है हमारी, तो सरकार ने बहुत बढ़िया काम पहले से किया है। 50% महिलाओं का जो आरक्षण दिया है, जिससे कि महिला आगे आएं, वो भी समाज की सेवा करें। अब लोगों के बीच में हम जा रहे हैं, जो भी हमसे मेहनत बल पा रही है उसको कर भी रहे हैं हम उनके बीच में जा करके, और उनसे वोटें भी हम मांग रहे हैं। अब ये तो परमात्मा के ऊपर है जी, किसकी झोली में कितनी वोटें पड़ती हैं, कौन कामयाब होता है। और फिर मेरा परिवार तो पहले से ही इस गांव के संघर्ष में रहा है, निरंतर से 10-12 साल से इस गांव की हम सेवा भी कर रहे हैं, और केवल हमारा मोटिव सरपंच बनने का ही नहीं है, हमारा मोटिव सर सेवा करने का है। हम सरपंच बने या ना बने, उसके बाद भी हम गांव की सेवा निरंतर करते रहेंगे। नरेश भाई, बड़ा गांव है फतेहपुर बिल्लोच, तो क्या क्या मुद्दे लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं जी गांव में जी। हमारी सारी फिरकी खराब हुई पड़ी है। सबसे मोटी समस्या तो हमारे गांव में इस चीज़ की है कि गांव में घुसने से पहले गांव की सुंदरता, गांव के रास्ते बताते हैं कि भाई हमारे गांव में अंदर क्या है, बाहर क्या है। सारा रोड खराब है जी, बाहर तक चारों तरह के जितने भी सारे रोड बने हुए हैं, हमारी फिरकी जो है उससे बहुत जनता परेशान है। शायद जब गाड़ी उस रास्ते से निकलती है तो लगभग आधे के बराबर में वो गाड़ी नीचे डूबती है पानी में। उसके बाद लोग बाग अपनी मन की भावनाएं प्रकट करते हैं, भाई हम किस तरह के गांव में आ गए। तो हम तो यही सेवा करना चाहते हैं, भाई हमें इस बार एक मौका मिल जाएगा तो सबसे पहले तो हमारा मोटिव उस पानी को निकालने का रहेगा। उसके बाद और भी बहुत समस्याएं हैं, काफ़ी सारी समस्याएं हैं। बंदरों की एक बहुत बड़ी हमारे गाँव में समस्या है। आप दोपहर के समय ऊपर छत पर नहीं जा सकते, कपड़े नहीं सुखा सकते, छोटे छोटे बच्चे इतने डरते हैं ऊपर जाने से बंदरों की वजह से। नरेश जी, चुनाव निशान भी मिल चुका है चुनाव चिन्ह टेबल लैंप है आपका, क्या नरेश जी फतेहपुर बिल्लोच में लोगों के घर में लैंप चलेगी? मैंने तो अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी रिपीट की थी बात कि हम 10-12 साल से लोगों के बीच में रहे हैं। हम आज ही ये नहीं है कि हम 10 दिन से ही चुनाव मैदान में आए हैं, तो उनकी सेवा इस चुनाव तक ही है हमारी। हम सरपंच बने या ना बने, हालांकि हम एक योजना में पहले भी रहे हैं, 3 योजनाएं पहले भी रहे हैं, गांव की जैसे सेवा हमसे हो पाई है वो करी भी है हमारे। पहले भी सरपंच बने हैं? हमारे समाज से सरपंच बना है, जो भी सेवा उनसे हो पाई वो करी भी लोगों की सेवा उन्होंने, और अब देखते हैं आगे होता क्या है जी। सभी अपना भाग्य आजमा रहे हैं तो इसमें तो सरपंच बनकर ही सेवा की जा सकती है, ये मानना आपका? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सरपंच ना बनने से पहले भी 10 साल से लोगों के बीच में थे। अच्छा। और सरपंच बने या ना बने, फिर भी हमारी वही सेवा निरंतर हमारे साथ चलती रहेगी, गांव की सेवा। सेवा में पीछे हम और हमारा परिवार कभी पीछे नहीं रहा। ये तो लोगों के मुँह से आप जब सुनोगे, हमारे चरित्र के विषय में सुनोगे, उन लोगों से जब पता लगेगी। तो सर, यदि जनता आपको मौका दे देती है चुनकर चुनाव में, तो जनता के लिए सबसे पहला कार्य क्या होगा?
देखो सबसे पहले हमारा संदेश तो इसी चीज़ का है, जो भी ये 10 कैंडिडेट खड़े हैं, 11 कैंडिडेट खड़े हैं, आपस में सभी भाईचारे के साथ इस चुनाव को लड़ें। आज ये मतदान है, कहीं ऐसा ना हो कि इन चुनावी सफर में ये मतभेद हो जाए, आपस में किसी की मन खराब हो जाए। सबसे पहले तो यही है कि अपने मन साफ करके चुनाव लड़ने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि आपस में किसी का भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। चुनाव 10 दिनों का है, किसी का भाईचारा खराब हो जाए तो वो भी चुनाव लड़ने का ऐसा कोई चुनाव का फायदा नहीं रहेगा। और जो भी समस्याएं हैं वो तो सभी के सामने ही हैं, सारी समस्याएं सुलझाई जाएंगी। क्या सरपंच का चुनाव लड़ने के बाद नरेश जनता के बीच रहेंगे, जनता के दुख सुख में जाएंगे? देखो जनता के दुख सुख में तो पहले से ही हमारा परिवार पहले भी रहा है, और इसी गांव के बासिंदे हम जाएंगे कहाँ? चुनाव हारने के बाद भी यहीं रहने, चुनाव जीतने के बाद भी हम तो यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ये तो लोग, कुछ लोग तो इसमें ऐसे हैं जो केवल चुनाव लड़ने के लिए ही अपनी तैयारी करी हुई है उन्होंने चालू से। हम तो पहले से ही 10-12 साल से जनता के बीच में ही रहे हैं, जनता के बीच में ही रहेंगे, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम तो यहीं हैं। तो ये थे नरेश अग्रवाल जी, इनकी धर्मपत्नी सोनिया अग्रवाल जी यहाँ से सरपंच पद का चुनाव लड़ रही हैं, इनका चुनाव निशान टेबल लैंप है। तो अब 25 तारीख को वोटिंग होनी है, अब फतेहपुर बिल्लोज की जनता इन्हें कितना वोट रूपी आशीर्वाद देती है तो ये तो 25 तारीख को पता चलेगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए BSNS पर। धन्यवाद।